क्या नाम है माता जी आपका? शांति देवी। कहाँ रहती हैं? खागा। कितने बच्चे हैं आपके? तीन बच्चे हैं, एक बिटिया है, तीन बच्चे हैं। तीन बच्चों की शादी हो गई? सब लड़का बच्चा वाले हैं। बिटिया उनके पास नौकरी है? नहीं, नौकरी तो कौनो के पास। आप क्या करती हैं? लैटिन वैटिन धोई थी बिटिया। कितने घर करती हैं? 10-15 घर, 20 घर। क्या मिलता है? को 100, को 50, को 20, को 40, को 10, इन तरह मिला थे बेटिया। आपको उसमें क्या कच्चा पक्का राशन वगैरह भी कुछ मिलता है क्या? अरे अब ये तो कतो कदार मिल जाते थोड़ा बहुत। तो क्या उससे आपका घर चल जाता है? अब चले या न चले बिटिया, वही में से चलाई थी, मजबूरी है और का, बसर तो करना है। जब नौकरी चाकरी नहीं ना तो वही में से बसरे न कर। अब कितने दिन से कर रही है काम? अरे हम 15-20 साल से करी थी बिटिया। 15-20 साल से? अरे 10-15 साल की रहा हुई में जब से करी थी। अच्छा, बचपन से करी थी, ससुर माई के सब की ना। अच्छा। हाँ तो ये बताइए, जैसे इस काम करती हैं आप, तो क्या आपके साथ कोई छुआछूत भेदभाव होता है? अब भैया ये काम है ना, ऐसा है कि छुआछूत तो है ही है। कौन कौन लोग छुआछूत मानते हैं, किस तरह के? अरे अब जिनके घरे काम करे जाई थी, और आन जात तो हमसे छूत मानते नहीं बिटिया। कौन सी जात? अरे अब आन जात में सबन जात ही सब तो छूत माना थे, चवत सारा चमार है वो छूत माना थे। अच्छा ये बताइए, आप पढ़े लिखे हैं कुछ? नहीं बिटिया, पढ़े तो नहीं। नहीं तो आप अपने बच्चों को क्या लिखाए पढ़ाए कुछ? अब सब थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं बिटिया, ज्यादा ना, ज्यादा नहीं पढ़ा पावा। बे बाप के लड़का रहे हैं बिटिया, सब छोट छोट रहे हैं, तो ज्यादा नहीं कौन पढ़े वाले है। क्या गांव में आपके पास कोई खेती किसानी कुछ है? कुछ नहीं ना है। आप हमारे कोई सरकारी योजना जैसे ना पेंशन आपकी बनी हुई है? पेंशन तो बनी है बिटिया, राशन कार्ड? राशन कार्ड बना। राशन कार्ड में क्या मिलता है? राशन मिला थे हमका। कितना मिलता है? 35 किलो। 35 लाल कार्ड है। लाल कार्ड है गरीबी रेखा वाला। उसमें क्या क्या मिलता है? गेहूँ चावल, एक पैकेट नमक मिलता रहा है बहु बंद है, 1 किलो चीनी मिलता रहा है वहू बंद है, खाली गेहूँ चावल मिला था। अच्छा एक चीज और बताइए माता जी, जैसे पूरा साल कोरोना चल रहा था, अभी भी हमको लगता है कोरोना है, तो उसमें क्या स्थिति थी आपके साथ, क्या हुआ, आपकी कैसा जीवन यापन हुआ? अब करोना वरोना हमरे कुछ हो नहीं रहा बिटिया, ये तो हम तबीयत तो हमारो इसे बहुत दिन से ठीक नहीं रहा, थोड़ी बहुत कतो सर्दी जुकाम, कतो बुखार आ जाए, कतो खांसी आवे लगी, कतो थकान लागी, या सब बने रहा थे, या तो बुढ़ापा का बीमारी आए। अच्छा तो क्या इन बीमारी के साथ भी आप काम करने जाती हैं? हाँ जाई थी, का करवे बैठ के बिटिया, चल बे फिर बे ना तो फिर ही और फिर आई है। लड़का कहाँ रहते हैं आपके? दुई ठुकानपुर में है, एक तो ही हमारे पास रहा था। अच्छा वो क्या करते हैं? वो यही काम कतो जो उन्हें आपिस वापिस कतो करा थे काम, ऐसे प्राइवेट। क्या करते हैं? झाड़ू पोछा और का। उनके पास भी कोई सरकारी नौकरी? नहीं ना, नहीं ना, कौनों के पास नहीं ना, सब यही था कानपुर में, वो प्राइवेट इनका रहते यही सब काम करके। चलिए अच्छा धन्यवाद माता जी, आपने काफी जीवन में संघर्ष किए जो आज भी आप बेटी। अब और संघर्ष बहुत थी, जब तक अपने बच्चन का पाले तो भगवान जाने मजा ना था, अब और संघर्ष कुछ कौन जाने।